ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आईपीओ के ऊपर होगा और इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन क्या है कि कलेक्ट की है तो वो भी देखेंगे। तो इससे हमें एक आइडिया आएगा कि सीएसबी बैंक को हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम पहले इसके इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। तो केरला बेस्ड एक कंपनी है, केरला बेस्ड है क्या है कि बैंक है, और उसका जो मेन नाम है वो कैथोलिक सीरियन बैंक है। और ये क्या है कि साउथ इंडियन में एक अच्छी सी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की ये बैंक है। अब हम इसके बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके चार टाइप के बिजनेस है। एक है एसएमई बैंकिंग, मतलब एसएमई बैंकिंग का बिजनेस है। बाद में होलसेल बैंकिंग का भी बिजनेस है, रिटेल बैंकिंग का भी बिजनेस है, और ट्रेजरी ऑपरेशंस भी है। ये तो हो गया इसके बिजनेस के बारे में बात। अभी क्या है कि इस बैंक की क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, वो देख लेते। तो जो इसका मेन पॉइंट है तो वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और क्या है कि वेल नो बैंक है इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में इसका एक अच्छा नेटवर्क है। बाद में क्या है कि इस्टेब्लिश एसएमई बिजनेस मॉडल है। बाद में इसका जो मेजर पोर्शन है वो गोल्ड लोन का है अपने पोर्टफोलियो में, मतलब ये गोल्ड लोन ज्यादा देते। तो ये क्या है कि देखो, गोल्ड लोन मन्नापुरम भी देता है, मथुट फाइनेंस भी देता है। तो ये क्या है कि गोल्ड लोन भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्या है कि बैंकिंग में आपको देखे तो गोल्ड लोन से भी अच्छी कंपनी कमा रही है। तो ये देखने में तो एक अच्छी बैंक लग रही है, क्योंकि ओल्ड बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। तो देखना पड़ेगा इसके फाइनेंशियल क्या है, वो सब देखने के बाद हम क्या कुछ आइडिया लगाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल के बारे में। तो पहले हम टोटल एसेट देखेंगे। तो पिछले तीन ईयर में हमें क्या है कि टोटल एसेट पहले तो स्टेबल दिखा, बाद में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ दिखा। इन सिंपल में बोलना चाहूँ तो टोटल एसेट पिछले तीन साल में इंक्रीज हुआ है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में इसने थोड़ा ज्यादा इंक्रीज किया। मतलब अभी ये क्या है कि एक पॉजिटिव वे पे चल रहा है। बाद में टोटल रेवेन्यू देखते तो टोटल रेवेन्यू में भी सेम है कि पिछले तीन साल में ये थोड़ा डिक्रीज मोड पे आया है। लेकिन मैं सितंबर क्वार्टर को लास्ट ईयर से कंपेयर करता हूँ तो मेरे को लग रहा है कि नहीं, ये 2020 में थोड़ा और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देखते आगे क्या होता है। बाद में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो क्या है कि पिछले तीन साल से ये नेगेटिव में रहा है। जो हाल फिलहाल है वो क्या है कि पिछला क्वार्टर तो उसमें एक पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिली है। तो पिछले तीन साल में नेगेटिव रहा था, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन वो भी देखते हैं कि हाल फिलहाल ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो हो सकता है कि अभी ये आगे अपना पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो आपको देखना पड़ेगा। ये आपको अगर अच्छा लग रहा है, बाद में सब्सक्रिप्शन भी अच्छा हुआ, तब हम इसमें एंटर होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि लोग कह रहे सीएसबी बैंक अच्छा है, न्यूज में आ रहा है सीएसबी बैंक अच्छा है। नो डाउट अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको सब कुछ वो भी ध्यान में रखना है कि इसके रिजल्ट कैसे, ये बैंक कैसा परफॉर्म किया है पिछले ईयर में, वो सब। अगर आपको अच्छी सब्सक्रिप्शन मिल जाती तो आप क्या है कि उसको ओपनिंग गेन के लिए ऐड कर सकते हो। बाद में हम ग्रोस एनपीए देखते तो वो मेरे को अच्छा लग रहा है। देखो पिछले ईयर में 4.87 था, अभी ये सितंबर क्वार्टर है उसमें डिक्रीज हुआ है और वो हुआ है 2.86। मतलब क्या है कि डिक्लाइन में अगर नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए आते तो बैंक के लिए अच्छा होता, तो वो डिक्लाइन हुए तो मतलब अच्छा है ये पॉइंट बैंक के लिए। बाद में नेट एनपीए देख ले तो वही है, लास्ट ईयर का जो था वो 2.27 था, लेकिन इस क्वार्टर में 1.96 है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो मैं ऑल ओवर फाइनेंशियल देख रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे भी नहीं लग रहे, बहुत बुरे भी नहीं लग रहे, एक एवरेज टाइप लग रहा है। और क्या है कि बैंक भी अच्छी लग रही है, तो हो सकता है मैं इसमें अप्लाई करूँ। अब देख लेते हैं किस डेट पे ओपन होगा, कहाँ तक हम अप्लाई कर सकते हैं वो सब। अब हम इस आईपीओ के डिटेल जान लेते हैं। तो देख लेते पहले ये ओपन कब होगा और क्लोज होगा। तो ये 22 नवंबर को ओपन होगा और 26 नवंबर तक रहेगा। बाद में इश्यू टाइप कौन सा है, बुक बिल्डिंग इश्यू है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या है कि फ्रेश इश्यू कितना है, फ्रेश इश्यू 24 करोड़ का ये, बाकी का जो होगा वो ऑफर फॉर सेल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे के जो इन्वेस्टर थे वो अपना माल बेच के निकल रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, जो बाकी का पैसा है वो बैंक को नहीं मिलेगा, वो इन्वेस्टर को मिलेगा जिसने ये इन्वेस्टर निकले है वो। बाद में इश्यू प्राइस देख लेते, 193 से लेकर 195 तक इसकी इश्यू प्राइस रहेगी। बाद में देख लेते हैं लोट की साइज कितनी है, 75 इसकी लोट की साइज है, मतलब आपको एक लोट लेना है तो 75 शेयर मिनिमम लेने पड़ेंगे। बाद में लिस्टिंग कहाँ होगा, एनएससी बीएससी दोनों पे ये लिस्ट होगा। बाद में हम क्या है कि इसकी डेट वगैरह डिटेल वगैरह जान लेते। तो नॉर्मल सी बात है, ओपन होगा 22 को, बाद में क्लोजिंग होगा 26 नवंबर को। बाद में क्या है कि इसका जो अलॉटमेंट है वो कब होगा, तो अलॉटमेंट होगा दिसंबर 2 को। बाद में इसकी इनिशियल रिफंड, मतलब जिसको नहीं मिला उसको रिफंड कब होगा, तो दिसंबर 3 को होगा। बाद में क्या है कि क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट,
तो इसका मतलब ये होगा कि आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर कब आएंगे, तो थर्ड को ही आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर आ जाएंगे। बाद में आईपीओ लिस्टिंग कब होगा, तो 4 दिसंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया क्या है कि सीएसबी बैंक की आईपीओ की डिटेल। देखो मैं इस बैंक को पॉजिटिव व्यू से ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को इसको बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है। बाद में जो साउथ इंडियन में इसका क्या है कि एक नेटवर्क अच्छा है। अगर ये मेरे को एंड ऑफ द डे, लास्ट डे की बात करो, अगर मेरे को एंड ऑफ द डे एक अच्छी सब्सक्रिप्शन पे मिल गया तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तब मैं अप्लाई नहीं करूंगा। नॉर्मल सी बात है, सब्सक्रिप्शन पे ऊपर ही हमें ओपनिंग गेन मिलता है, मैं इसको ओपनिंग गेन के लिए ही ले जाऊंगा, ना कि मैं इसको लॉन्ग टर्म या वो सब के लिए। मैं इसमें अगर अच्छे सब्सक्रिप्शन हुई तो मैं इसको ओपनिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करूंगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आके लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।